15,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए के ऊपर अगर किसी भी खरीदारी शासनादेश की धज्जियां उड़ाते हुए पूर्व चेयरमैन साहब ने एक सिस्टम बना के 2% सभासद का वसूल के सभासदों को बांटा जाए। किसी वार्ड में 10,00,000 का काम है, किसी वार्ड में 30,00,000 का काम है, तो वो उस तरह से उस वार्ड के सभासद को न मिले, सब पैसा एक साथ हो, एक साथ में 30 का भाग हो के जितना पैसा है उसका पैसे करके जो 3 बार उसमें 2-3 ठेकेदार पैसा नहीं देते, नाम भी हम कहिए तो बता दें, हम जानते हैं। जैसे अभी हम लोग का कोई नया काम नहीं निकला है, जो काम हो रहा है पुराने टेंडर का हो रहा है। कुछ पैसा अभी मार्च में पेमेंट हुआ है ठेकेदारों को, तो कुछ पैसा हमने जेई को बोला कि 2-2% पैसा सबसे मांग लीजिए, परसों दोस्तों बोले थे कुछ पैसा थोड़ा बहुत मेरे पास आया है, तो आज हम आप लोग को 5,000 रुपया उस नाते दे रहे हैं, उस 5 का लिफाफा हम आप लोग को दे रहे हैं। ये हमको भी सुनने को मिला है और इस प्रकार का कोई काम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कैसा ऑडियो है, कब का ऑडियो है, किसकी भाषा है, हम भी उसको देखते हैं, लेकिन ये बात तो एक सत्य है कि जो लोग जो भी योधी विनोद अग्रवाल और इनके ईमानदारी को पचा नहीं पा रहे हैं, वो लोग विनोद अग्रवाल को आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो आज वो हमारे सम्मानित निर्वाचित सभासदों के प्रतिष्ठा पर सवाल उठा दिए हैं और निश्चित रूप से ये निंदनीय है। जो लोग सकारात्मक दिशा में विकास का काम कर रहे हैं उनको इस प्रकार से जनता के बीच अपमानित करना ये उचित नहीं है। निश्चित रूप से इसके हम देखेंगे कि क्या मामला है। ऑडियो कट का मामला ये है कि नगरपालिका परिषद में घोर अनियमितता होती जा रही है चारों तरफ से, और जो भी सभासद इनके मातहित में उपयोगी नहीं साबित होते हैं या उनकी कह नामों को दिन को दिन और रात को रात नहीं कहेंगे, उनको ये विरोधी छाड़ देते, उनके प्रस्तावों को ये कराते नहीं हैं। और कुछ दिन पहले जब इनके टेंडर होने थे आउटसोर्सिंग के और सफाई कर्मचारियों के होर्डिंग बैनर के जितने भी होने वाले थे गुप्त रूप से, जिसमें कमीशन की मोटी कमाई इन लोग के पास पहुंचती है, उस एवज में इन्होंने अपने अपने सभासद गोपनीय तरीके से सभासदों को बुलाकर 5,000 रुपये लिफाफा दिया है, और इसका प्रमाण हमारे पास है, ये हम सार्वजनिक करने के लिए आज तैयार हैं और हमने किया भी है। अब ये अपनी सफाई में क्या कहते हैं।